घर में जब भी गेस्ट आते हैं तो उन्हें लंच या डिनर के लिए हम बुलाते ज़रूर हैं। ऐसे वक्त पे एक अच्छा डाइनिंग टेबल घर के अंदर रहना शान मानी जाती है। घर के मेंबर्स के लिए, घर में जो बुज़ुर्ग है, जो नीचे नहीं बैठ सकते, उनके लिए एक अच्छा डाइनिंग टेबल घर में होना आज की रोज़मर्रा की ज़रूरत है। ऐसे वक्त पे एक डाइनिंग टेबल सिलेक्ट करने के लिए क्या चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है, ये हम जानेंगे इस वीडियो के साथ। मैं साइली राठी, आर्किटेक्चर इनफॉर्मल से। एनालाइज द स्पेस। घर के अंदर किसी एरिया को डाइनिंग स्पेस ऐसे डिफाइन किया, या जहाँ पर डाइनिंग टेबल हमें रखना है वो रूम को हमने कह दिया कि ये डाइनिंग रूम है, तो उस जगह के रिलेटेड हमें कुछ जानकारी लेने की ज़रूरत है। जैसे वो रूम कितना बड़ा है, उसे कितना सर्कुलेशन है, किस तरफ से डोर्स है, एट्सेट्रा। ये सब जानना क्यों ज़रूरी है? तो देखो, सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है साइज़। जो रूम के डायमेंशंस है वो कितने बड़े हैं, कितना बड़ा रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, या किसी भी शेप में आपका जो डाइनिंग रूम है उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा कि उस जगह के अंदर कौन सा डाइनिंग टेबल फिट बैठेगा। फिट बैठेगा मतलब उस डाइनिंग रूम के अंदर जब हम डाइनिंग टेबल बिठाएंगे तो आसपास चलने के लिए जगह, जो सर्व कर रहे हैं उसको रखने के लिए, उसको सर्व करने के लिए खड़े रहने के लिए जगह, जब सब बैठ जाते हैं तो पीछे से जो जा रहा है उसके लिए एक जो सर्कुलेशन होता है वो हमें समझने के लिए ये स्पेस एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद उस स्पेस के अंदर लाइट कहाँ से आ रही है, वेंटिलेशन कहाँ से हो रहा है। जहाँ से मैं बैठकर अपना खाना खाऊंगा तो उस जगह से क्या मुझे बाहर का कोई व्यू दिख रहा है, या मुझे किचन दिख रहा है, या जो भी है, उस चीज़ को एनालाइज़ कर उसके बाद हमें डाइनिंग टेबल लेने के लिए जाना चाहिए। लाइकिंग एंड फंक्शनैलिटी। जब भी हमें एक डाइनिंग टेबल या घर में कोई भी फर्नीचर पीस खरीदना होता है तो घर के सारे मेंबर्स को पूछना एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि किस तरह की हमारी लाइकिंग है, हमें क्या वाइब उस स्पेस से क्रिएट करना है, ये हमें डिस्कस करना, एक दूसरे का ओपिनियन समझ कर लेना ज़रूरी होता है। अब डाइनिंग स्पेस हमने एनालाइज़ कर ली तो उस हिसाब से हमें ये पता चल गया कि उसके अंदर कितना बड़ा डाइनिंग टेबल फिट हो सकता है और कितने लोगों के लिए वो कैटर कर सकता है। पर जब हमारा डाइनिंग टेबल बहुत बड़ा आ जाता है और हम घर में चार ही लोग रहते हैं तो वो इतना फंक्शनल नहीं लगता, या फिर जब घर में 15 जन रह रहे हैं और घर का डाइनिंग टेबल सिर्फ 2 सीटर का है तब भी वो फंक्शनल नहीं लगता। इसलिए नंबर ऑफ सीट्स हमें कितने एवरेज हमेशा लगते हैं उस हिसाब से डाइनिंग टेबल की साइज़ हमें डिसाइड करनी चाहिए। उसके बाद ओवरऑल जो घर का इंटीरियर है उसके साथ हमारा डाइनिंग एरिया या डाइनिंग रूम का जो वाइब है वो मैच होना चाहिए। अगर इंटीरियर स्पेस आपका पूरा ऑर्गेनिक है और आप एकदम रिजिड सा लकड़ी का ऐसे मासिव डाइनिंग टेबल लेके आ गए तो वो अच्छा नहीं लगेगा। साइज़, डाइनिंग स्पेस का हमने साइज़ ले लिया, पर उस डाइनिंग स्पेस के अंदर कौन सा डाइनिंग टेबल परफेक्टली फिट बैठेगा ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें कौन कौन से डायमेंशंस और डिटेल में वर्कआउट करने चाहिए, या हमारे जो भी कंसल्टेंट है या प्रोफेशनल हेल्प आप जिससे भी ले रहे हैं उसे क्या ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, एक जो प्लेटिंग होती है डाइनिंग टेबल की उसका साइज़ कितना होना चाहिए, 2 चेयर्स के बीच में का साइज़ क्या होना चाहिए, चेयर की इंडिविजुअली साइज़ कितनी होनी चाहिए, उस हिसाब से जितने नंबर ऑफ सीट्स बैठ रहे हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन से डाइनिंग टेबल का साइज़ क्या होना चाहिए, डाइनिंग टेबल के एज से वॉल तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इस तरह की कुछ डायमेंशंस हमें डाइनिंग टेबल परचेस करने से पहले पता होने चाहिए। डाइनिंग टेबल का डिज़ाइन, ये सबसे फेवरेट और सबका इसके ऊपर जो बहस होती है या जो भी ओपिनियंस डिस्कस किए जाते हैं वो इसी बात पे होते हैं कि डाइनिंग टेबल का डिज़ाइन कैसे हो। तो डिज़ाइन का ध्यान रखते वक्त हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1 आता है शेप।
शेप के अंदर मेनली दो टाइप्स होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक शेप है या फिर रिजिड शेप है। तो रिजिड के अंदर तो फिक्स हो गया हमारा एक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर शेप के अंदर जो डाइनिंग टेबल बनेगा वो, और ऑर्गेनिक के अंदर बनेगा सर्कल, ओवल या कोई भी ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर जो भी डाइनिंग टेबल का शेप आप बनाना चाहते हो वो। अब ये दोनों डिसाइड कैसे होंगे, तो आपकी जो ओवरऑल इंटीरियर की थीम है उस हिसाब से डिसाइड होगा कि आपका डाइनिंग टेबल ऑर्गेनिक शेप में चाहिए या रिजिड शेप में चाहिए। अब ऑर्गेनिक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस लगती है, जैसे सर्कल का डाइनिंग टेबल है और आपकी रूम रेक्टेंगुलर है तो जो कॉर्नर स्पेसेस वेस्ट होती है समहाउ, तो इसलिए सर्कुलर डाइनिंग टेबल एडवाइस नहीं किया जाता। उसकी जगह पर आप अगर ओवल शेप ले लेते हैं तो वो रेक्टेंगल भी हो जाता है और दोनों तरफ से उसको ऑर्गेनिक फील भी आ जाता है। तो ये एक अच्छी टिप आपके लिए मानी जाएगी। सपोर्ट सिस्टम, जो डाइनिंग टेबल जिस पैरों पर या जिस सपोर्ट्स पर खड़ा रहता है उसको हम बोलेंगे डाइनिंग टेबल का सपोर्ट सिस्टम। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सेंट्रली सपोर्टेड डाइनिंग टेबल और एक होता है मल्टीपल सपोर्ट के ऊपर जो खड़ा रहता है वो डाइनिंग टेबल। तो मल्टीपल सपोर्ट तो आपको पता है कि चार पैर है या छः पैर है एक डाइनिंग टेबल को और वो स्टेबली खड़ा है। उसके बाद में सेकेंड जो सपोर्ट है वो है सेंट्रली सपोर्टेड, जिसके अंदर ये फ़ोटो में दिखाया वैसे सेंटर में एक सपोर्ट है और उसके सराउंडिंग में वो जो भी डाइनिंग टेबल का बेस है वो रखा हुआ है। मेरा ओपिनियन मानोगे तो मल्टीपल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल टाइप का एक डाइनिंग टेबल माना जाता है। तो सेंट्रली सपोर्टेड भी अच्छे दिखते हैं और उससे काफ़ी स्पेस बचती है, क्योंकि जब हम सेंट्रली सपोर्टेड डाइनिंग टेबल लेते हैं तो जो चेयर्स होती हैं वो अंदर की तरफ बंद हो जाती है और इस तरह से एक सीमलेस लुक उससे आता है। मटेरियल्स, डाइनिंग टेबल के डिज़ाइन की बात करें और मटेरियल्स की ना करें ऐसे नहीं हो सकता। तो डाइनिंग टेबल का जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर मटेरियल्स की काफ़ी वैरायटी देखने को मिलती है। वुड है, एक्रेलिक है, ग्लास है, उसके बाद मार्बल है, नया आया हुआ अभी रेजिन का, एपॉक्सी रेजिन का प्लेटफॉर्म है। ये सब आपको डाइनिंग टेबल के प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज़ करे जा सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट सिस्टम के अंदर स्टील के रॉड्स है या फिर वुड के अंदर कुछ बना सकते हैं, तो ये सपोर्ट सिस्टम के मटेरियल्स हुए। तो इस तरह मटेरियल्स के बारे में भी आपका अगर ओपिनियन बना हुआ है या आपने सोच के रखा है कि किस तरह का आपको मटेरियल ऑफ डाइनिंग टेबल चाहिए, तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी इजी हो सकती है। कलर, डाइनिंग टेबल के अंदर जो भी कलर लेना चाहते हो उसके अंदर लाइट टोन्स रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम डार्कर शेड्स की तरफ जाते हैं तो जो भी डाइनिंग स्पेस होता है वो और ज़्यादा छोटा लगने लगता है, इसलिए हमेशा लाइटर टोन्स, नेचुरल टिंट वाले कलर्स डाइनिंग टेबल के अंदर यूज़ करने चाहिए। अगर आपको थोड़ा बोल्ड अपीयरेंस चाहिए या थोड़े बोल्ड कलर्स यूज़ करना चाहते हो तो हमेशा चेयर के कुशन्स, जो भी आर्टिफैक्ट्स, जो पेंटिंग्स आप डाइनिंग रूम में लगाना चाहते हो उसके अंदर आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। एक बोनस टिप है, उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस वीडियो में से कोई वैल्यू मिलती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपको और कुछ जानना हो या लगता है कि डाइनिंग टेबल लेने के वक्त आपको पता है जो मैंने इस वीडियो में नहीं कहा, वो भी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हाँ, एक बोनस पॉइंट है कि आप एक मल्टी फंक्शनल डाइनिंग टेबल भी अपने स्पेस के अंदर रख सकते हैं। जैसे कहीं कई बार बहुत छोटा सा स्पेस होता है और बहुत सारा हमें सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो ऐसे वक्त पर डाइनिंग टेबल को ही आप फोल्डिंग डाइनिंग टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरह से जो इमेज दिखाई हुई है इसके हिसाब से आप डाइनिंग टेबल को ही एज अ स्टडी टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।